अब ये क्या नया ड्रामा है? पति के लिए व्रत, तुम तो उस चाय वाले से प्यार भी नहीं करती हो, उसके लिए व्रत रखोगी? चलो कुछ खा लो। तमीज से बात करो, मेरे पति है वो। और आइंदा से मेरे और मेरे पति के बीच में दखल देने की कोशिश की ना तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मल्हार, अरे चाय देना गर्मा गर्म, धुआं निकलती हुई। थैंक यू। अरे तो फैल गई। अब दूसरी चाय दे सकती है क्या? अब प्लीज इसे भी साफ कर देना, मेरे से ना बड़ा ऐसे पिया नहीं जाता अगर कुछ सामने। ये लीजिए, ये दूसरी चाय के लिए। अरे आई एम सॉरी, ये एक चाय और मिलेगी? अब प्लीज इसे भी साफ कर देना, लेकिन चाय तो पीनी है मुझे। आप 100 बार चाय गिराएंगे और मैं 100 बार साफ करूंगी। आप चाय गिराते गिराते थक जाएंगे लेकिन मैं नहीं थकूंगी, क्योंकि ये मेरे पति की टी स्टॉल है और यहाँ ग्राहक को भगवान माना जाता है। चाय और ध्यान से, गर्म है, कहीं आपकी जबान ना जल जाए। ये खा लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। फैबा, उसने व्रत तोड़ दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े मज़े के साथ चॉकलेट खा रही थी। नहीं बा, बा, बा मैंने चॉकलेट नहीं खाई है। रुक्मिणी मामी साचू बोले जब उन्होंने चॉकलेट फेंक दी थी। बा मैंने गलती से चॉकलेट मुंह में डाल ली थी, लेकिन तभी मुझे अपना व्रत याद आ गया था तो मैंने उसी पल उसे थूक दिया था। मतलब एक पल के लिए तू भूल गई थी कि तेरा व्रत है सुमित भाई के लिए, है? एक ढंग का व्रत नहीं रख सकती तू अपने पति के लिए तो पूरी जिंदगी क्या साथ निभाएगी तू पत्नी बनकर? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।